रहा हूँ वो देख। यार इसमें देखने वाला क्या है? यार तो देख नहीं रही कैसे वो लड़का उस गुड़िया के लिए बेंच साफ करने लगा हुआ है। हाँ तो अब एक जवान आदमी किसी के लिए बेंच भी नहीं साफ कर सकता। अबे यार तो समझ नहीं रही पर इसमें समझने वाला है ही क्या यार। यार जिस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तुझे लगता नहीं है कुछ तो होगा इनके बीच में? क्या ही चल रहा है, वो लड़का बस अपने हाथ से उस लेडी को कुछ खिला ही रहा है। यार तो कितनी बड़ी भोंदू है, तुझे नहीं लगता इन दोनों में कुछ तो चक्कर चल रहा होगा पक्का? चक्कर? पागल हो गई है क्या? थोड़ा तो सोच समझ के बोल यार, वो कितना यंग लड़का है और वो कितनी एज लेडी है, क्या ही चक्कर चलेगा उन दोनों के बीच? यार तूने या नहीं नहीं आई है तुझे कुछ नहीं पता, जब मैंने इनको पहली बार देखा था ना तो मुझे भी ऐसा लगता था। तेरे को पता है सारी सोसाइटी इनके बारे में बात करती है, सब ये बोलते हैं कि इन दोनों का ना कुछ चक्कर चल रहा है। देख खुद देख, देख दोनों कैसे बिहेव करने लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। यार वो दोनों माँ बेटा भी हो सकते हैं ना। पूरी सोसाइटी को पता है कि ना इसका हस्बैंड है और ना ही इसका कोई बेटा। तुझे पता पहले ना अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी और इतनी इरिटेटेड रहती थी, और जब से ये लड़का आई गेस 2-3 महीने से इसके पास रह रहा है तब से ये दोनों हर संडे यहाँ घूमने आते हैं और ये ना ऐसे इसको अपने हाथ से खाना खिलाता है। तू सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही है, रुको एक सेकंड मैं अभी। नेहा अभी कहाँ जा रही है? रुक ना ये मरवाएगी। अरे अरे एक्सक्यूज मी मैम, वो एक्चुअली मेरे साथ ना इस बेंच पे कोई बैठा है, वो एक्चुअली वॉशरूम गए हैं तो 2 मिनट लगेंगे उनको वापस आने में। आप ऐसा करिए वो सामने बेंच है ना, आप वहाँ पे बैठ जाइए प्लीज। आई नो आपके साथ यहाँ कोई बैठा है पर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? बोलिए। पता नहीं कैसा लगेगा पर मुझे आपसे पूछना है, ये जो लेडी आपके साथ यहाँ बैठी थी जिनका ये पर्स रखा हुआ है, वो आपकी क्या लगती है, क्या रिश्ते आप दोनों के बीच में? वो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, या फिर मैं यूं कहूं कि वो मेरे सब कुछ लगते हैं। सब कुछ मतलब? एक्चुअली बात ऐसे है कि कुछ महीने पहले ना मैं इस शहर में नया नया आया था और उन्होंने मुझे अपना घर रेंट पे दिया था। जब मैं उनके घर रहने लगा तो मुझे पता चला कि उनके पति नहीं है और उनका एक इकलौता बेटा था जिसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो उसके बाद उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, तो वो अपने बेटे का साया मुझ में देखने लगी, मुझे अपना बेटा समझने लगी, जितना प्यार वो अपने बेटे को करती थी वो मुझसे करने लगी। और कोइंसिडेंट देखो, मेरी भी माँ नहीं है तो मुझे भी उनमें अपनी माँ दिखने लगी, मैं अब उन्हें अपनी माँ समझता हूँ और वो मुझे अपना बेटा, और हर संडे मैं उन्हें इसी पार्क में घुमाने के लिए लेके आता हूँ जिनसे वो भी खुश हो जाती हैं और मेरा भी मन लग जाता है। वाह कितनी अच्छी सोच है आपकी, वरना आज के टाइम में ऐसा कौन ही करता है, बल्कि लोग तो खुद के माँ बाप से भी रिश्ता नहीं निभाते हैं और आप तो उनसे रिश्ता बनाकर बैठे हैं जो आपके असली माँ बाप हैं भी नहीं। सच में आपकी सोच बहुत कमाल है और आपका दिल भी बहुत बड़ा है और लोग आपके इस रिश्ते को पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। मुझे पता है मैम कि लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं कि इनके बुच कुछ चल रहा है, ये माँ बेटे नहीं है, ये कुछ और हैं, पर सच बोलूं मुझे ना अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमारे बीच जो कुछ भी है वो मैं समाज को क्यों बताऊं, ये समाज वालों का मुंह कितने टाइम तक बंद करूंगा मैं? अब एक साइड ये पूरे समाज वाले हैं और एक साइड अकेला मैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर आप इस समाज को समझाने भी चलेंगे ना तो कोई नहीं समझेगा, बल्कि आपको सब लोग समाज विरोधी ही समझेंगे, इसलिए आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मोहित बेटा चलें घर, मैंने घर जाके तेरे लिए परांठे भी बनाने हैं। अरे नहीं मम्मा, आज आलू वाला परांठा नहीं, बल्कि आपको रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ, वहाँ हम लोग बैठ के खाना खाएंगे। फालतू में पैसे क्यों फूकेंगे? अरे नहीं मम्मा, आज पैसे नहीं बल्कि लोगों की और इस समाज की सोच को फूकेंगे हम लोग। मतलब? आप चलिए तो सही, मैं सब समझाता हूँ। मैंने बोला था ना इनके बीच में पक्का कुछ चल रहा होगा। पागल हो गई है क्या तू? क्या चक्कर लगाया हुआ है तूने? तुझे पता भी है क्या रिश्ता है उन दोनों के बीच? माँ बेटे का रिश्ता निभा रहे हैं वो दोनों,
और तेरे जैसे लोग चार लोगों की बातें सुनकर पता नहीं क्या ब्रेकिंग न्यूज फैलाने लग जाते हैं। पहले ना सच जान लेना चाहिए, उसके बाद बातें बनानी चाहिए। तुझ जैसे लोगों की घटिया सोच के कारण ना माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते पर दाग लग रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी वीडियो में दिया गया मैसेज ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।